जैन साथियों, मेरा नाम है जीत फौजी सुंगरपुरिया और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, आज हम आपको आर्मी के भर्तियों का होने वाले टेस्ट के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं हम पल पल पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको सही जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ये हमारा ऑफिस है और हम आपको सटीक जानकारी देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का ये फायदा है साथियों कि जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसकी आपको सही जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और टाइम से पता लग जाएगा। तो साथियों, अभी कई साथी हमसे पूछ रहे हैं फोन करके न कि जो 2.5 साल से 3 साल से लगभग टेस्ट नहीं हुआ है, भर्तियां हो चुकी थी आर्मी की, तो उनका टेस्ट कब होगा, क्या भर्तियों का टेस्ट पोस्टपोन्ड होगा। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बताएंगे और अगस्त से क्या नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, भर्तियां कब से लागू है, टेस्ट कब होगा, सारी इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स की। तो आपको बता दें कि एयरफोर्स का जो है एक रिजल्ट पेंडिंग है, जिसका सब कुछ हो चुका है, मेडिकल तक फाइनल मेडिकल भी हो चुके हैं, वो लिस्ट आनी बाकी है। और दूसरा साथियों, टेस्ट हो चुका है एक एयरफोर्स की भर्ती का ही, उसके अंदर उसका टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद उनका फिजिकल और मेडिकल होगा। तो इस प्रकार से 2 एयरफोर्स के पेंडिंग हैं। उसके अलावा जो नेवी ने अभी फार्म भरवाए हैं पिछले कुछ महीने ही, तो नेवी ने भी अपनी वैकेंसी निकाली थी SSR और AA की। उसके अलावा बात करते हैं आर्मी की। तो साथियों, आर्मी जो है उसकी भर्तियां लगभग 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। जो भर्तियां तो हो रही हैं, किसी किसी सेंटर में 2 से 3 भर्तियां भी हो चुकी हैं, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले कई साथी पूछ रहे हैं, सर ये भर्ती का सुनने में आ रहा है कि कैंसिल हो जाएगी। वो कैंसिल नहीं होगा, टेस्ट पक्का होगा साथियों, ये आपको कन्फर्म बता देते हैं। क्योंकि वो पिछली भर्तियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था और वो भर्तियों का शेड्यूल था, तो उसके अंदर वो वैकेंसी अलॉट हो चुकी हैं। आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी कर रखा है, जो वैकेंसियां हैं उनकी लिस्ट भी आई थी कि किस सेंटर को कितनी कितनी वैकेंसियां दी गई हैं, तो उनकी बच्चों की वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, ये भी आपको बता दें। तो जल्दी ही उस भर्ती का टेस्ट होगा, वो टेस्ट हो सकता है 7 जुलाई में हो या फिर अगस्त में। तो जल्दी ही ये चीज़ होने वाली है, तो अपने टेस्ट की तैयारी रखें जिन साथियों का टेस्ट होना है। और जो कई साथी हैं जिनके कुछ अभी बचे हुए हैं, नई भर्तियां आएंगी, तो ये भर्तियां जो हैं अभी अगस्त से शुरू हो जाएंगी, दिसंबर तक लगभग 45 से 50 हज़ार वैकेंसी हैं। और इसमें 13 से 14 राज्य, कम से कम कई ज़िले जो राज्यों के, उनके अंदर भर्तियाँ होनी हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में बात करें तो अम्बाला और रोहतक की भर्ती फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगी। उसके अलावा कई और भी ज़िले हैं जिनकी पूरा ये चार्ट आया हुआ है, इसमें 14 राज्य हैं इनके बारे में। तो साथियों, जो भी मेरे भाई साथी जुड़े हुए हैं हमसे, हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं। तो अपने फिजिकल की तैयारी रखें, जो गेम के बच्चे हैं गेम की तैयारी रखें, क्योंकि जल्दी सेंटरों की भर्तियाँ अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो जो भी लड़के गेम से भर्तियाँ देखेंगे, तो वो लड़के अपनी गेम की तैयारी रखें। अभी खेलो इंडिया चल रहा है हरियाणा में। उसके अलावा साथियों, आपको बता दें कि जो भी मेरे भाई इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी नेवी के टेस्ट की भी डेट जल्दी रिलीज हो सकती है, तो अपने टेस्ट की तैयारी रखें। उसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस में वैकेंसी निकली हुई है ASI रैंक की। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के फार्म निकले हुए थे, वो भी भर सकते हो आप। फिर हरियाणा में भी लगभग कई स्टेटों में औरों में भी वैकेंसी आने वाली हैं, जो लोकल डिपार्टमेंट होते हैं उनकी। तो सभी साथी अपनी तैयारी करते रहें, जल्द ही आपको इस आशा के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले। तो जो भी हमारे चैनल पर आए हैं, हम आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें। जय हिंद, जय भारत साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।